नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में। हम जानेंगे कि स्टेट वाइज कितना कट ऑफ गया है, कौन से स्टेट का कितना कट ऑफ गया है। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क 2018 के प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी का, सामान्य कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है, कौन से स्टेट में। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी के बारे में। तो यूपी में 69.25, सामान्य कैटेगरी का 69.25 गया है कट ऑफ है। छत्तीसगढ़ 67.25, बिहार 66.50, असम 51.25, महाराष्ट्र 57, एमपी 66.25, कर्नाटका 63, केरल 69, उड़ीसा 62.75, दिल्ली 71.75, शायद दिल्ली का सबसे ज्यादा कट ऑफ है। वेस्ट बंगाल 66.50, राजस्थान 69.00, तेलंगाना 68, पंजाब 71.50, हरियाणा 70.50, गुजरात 57.50 और अंडमान निकोबार 53.50। ये जो मैंने कट ऑफ बताया जनरल कैंडिडेट के लिए बताया। अगर मान लीजिए कि आपके क्वालिफाई नहीं हो सके किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं, अगली बार। अभी अब दोस्तों, आपका रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपको आगे का सोचना चाहिए। आगे आपका अगर मेंस है तो बहुत अच्छा, आप मेंस की तैयारी कीजिए। आप नहीं भी क्वालिफाई किए तो आपको सोचना है कि अब हमें क्लर्क वाले एग्जाम में 70+ स्कोर लाना है, क्योंकि 70+ ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम कट ऑफ गया दिल्ली का 71.75 कट ऑफ गया है। तो आपको 70+ स्कोर लाने का सोचना होगा, क्योंकि अभी काफी एग्जाम होने बाकी है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम अभी होना बाकी है, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आएगा अभी, आईबीपीएस क्लर्क का भी एग्जाम आना है अभी सितंबर में, एनआईसीएल असिस्टेंट्स का भी एग्जाम होना है। तो एग्जाम काफी होने हैं, आपको सिर्फ अच्छे से तैयारी करना और अपने आप को स्ट्रांग रखना है कि आप पे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज से आप काफी ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका एग्जाम निकल ही जाएगा, किसी ना किसी तरह आपका एग्जाम निकल जाएगा, आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे। आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।